हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त हाउ टू बी ब्यूटीफुल लाइक मॉम से। आज हम देखेंगे बालों के लिए हिना पैक कैसे बनाइए, बिल्कुल सिंपल और इजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए मेहंदी। यहाँ पे मैंने दो टाइप की मेहंदी ली है, एक राजस्थानी मेहंदी और दूसरी नूपुर मेहंदी। नूपुर मेहंदी में ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि एलोवेरा, मेथी, आंवला, शिकाकाई एक्सेट्रा, जो हमारे बालों के कलर, ग्रोथ और हेयर फॉल्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ब्लैक टी वाटर। ब्लैक टी वाटर इज सो बेनिफिशियल फॉर आवर हेयर। एक प्लास्टिक के कंटेनर में दोनों मेहंदी ले लीजिए। हिना का नेचुरल रंग बालों को बरगंडी कत्थई कलर देता है। वो बालों को कोमल बनाती है, जड़ों को नरिश करके मजबूत बनाती है। अब उसमें ब्लैक टी वाटर ऐड कीजिए। ब्लैक टी में कैफीन की मात्रा है जो कि DHP घटाने में मदद करता है। DHP असल में एक हार्मोन है जो हमारे सिर के स्कैल्प में होता है, जो कोई बाल झड़ने का मुख्य कारण होता है। ब्लैक टी उसे कम करता है। अब इसे अच्छे से मिलाइए और इस हेयर मास्क को पूरी रात आप ऐसे ही रख दीजिए। सुबह में कुछ ये ऐसा दिखाई देगा। अब इसे आप अपने पूरे हेयर पे अप्लाई कीजिए। इस हेयर मास्क से आप अपने पूरे बाल को कवर कर दीजिए। पूरे बालों में हेयर मास्क लगा लीजिए और इसे 2 से 2.5 घंटे के लिए ऐसे ही रख दीजिए। 2 से 2.5 घंटे के बाद आप इसे गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए। इस हेयर मास्क को आप वीक में एक बार ज़रूर अप्लाई कीजिए। आफ्टर हेयर वॉश ये कुछ ऐसे कलर छोड़ेगा। उम्मीद करती हूँ ये हेयर मास्क आपको ज़रूर हेल्प करेगा। उसके रिजल्ट आप अपने कमेंट से मुझे शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।